हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एक सीरीज लेकर चल रहे हैं फ्रेंड, जो सीरीज जो है टीजीटी पीजीटी कला से संबंधित जो भी भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट है फ्रेंड। तो आपके अगर रिलेटिव में कोई तैयारी कर रहा है तो आप लोग उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर एक कर रहा है फ्रेंड, धातु से बनी मूर्ति का सबसे प्राचीन उदाहरण कौन सा है। तो फ्रेंड, आपको बताना, जो धातु से बनी मूर्ति है फ्रेंड, सबसे पहले उसका उदाहरण कौन सा है। देखिए, करेक्ट, गुप्तकालीन नटराज, मोहन जोदड़ो से प्राप्त नर्तकी, चोलवंशी नटराज शिव, तंजावुर की त्रिपुरांतक मूर्ति। ठीक है, तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी मोहन जोदड़ो से प्राप्त नर्तकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए, क्वेश्चन नंबर दो का रहा है, सुल्तानपुर से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा किस धातु में निर्मित है। तो फ्रेंड, आपको बताना, जो सुल्तानपुर से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा है फ्रेंड, वो किस धातु से निर्मित है। देखिए, कर है तांबा, कांस, लोहा, स्वर्ण। तो फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दो का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी तांबा। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड का रहा है, सुल्तानपुर की बुद्ध प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है। तो फ्रेंड, आपको बताना, जो सुल्तानपुर की बुद्ध प्रतिमा है फ्रेंड, उसकी ऊंचाई कितनी है। देखिए, कर है 4.5 मीटर, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड 3.8 मीटर, तीसरा है 2.9 मीटर, चौथा है 2.3 मीटर। तो फ्रेंड, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी 2.3 मीटर। ठीक है, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सुल्तानपुर से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा में रेखाएं किस प्रकार का आभास दे रही हैं। तो फ्रेंड, आपको बताना, जो सुल्तानपुर से बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है फ्रेंड, उसमें रेखाएं किस प्रकार का आभास दे रही हैं। देखिए, कर है कठोरता का, दूसरा है कोमलता का, तीसरा है बिखरी हुई, चौथा है उपयुक्त से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कोमलता का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पांच का रहा है फ्रेंड, बुद्ध प्रतिमा सुल्तानपुर से प्राप्त को किस काल में निर्मित माना गया। तो फ्रेंड, आपको बताना, जो बुद्ध प्रतिमा है फ्रेंड, जो सुल्तानपुर से प्राप्त हुई है, उसे किस काल में निर्मित किया गया फ्रेंड, आपको बताना है। देखिए, कर है गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल, सातवाहन काल। तो फ्रेंड, जो क्वेश्चन नंबर पांच का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी गुप्त काल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए, क्वेश्चन नंबर छह का रहा फ्रेंड, बुद्ध प्रतिमा सुल्तानपुर की किस शताब्दी की है। तो फ्रेंड, आपको बताना है, जो बुद्ध प्रतिमा सुल्तानपुर की है फ्रेंड, वो किस शताब्दी की है। देखिए, कर है तीसरी शताब्दी, चौथी शताब्दी, पांचवी शताब्दी, छठी शताब्दी। तो फ्रेंड, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का, तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी पांचवी शताब्दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर सात है, सुल्तानपुर से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड, आपको बताना, जो सुल्तानपुर से बुद्ध प्रतिमा है फ्रेंड, वो इस समय कहाँ पर स्थित है। देखिए, कर है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, मद्रास संग्रहालय, कलकत्ता संग्रहालय, बर्मिंघम संग्रहालय। तो फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सात का, वो हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी बर्मिंघम संग्रहालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए, क्वेश्चन नंबर आठ का रहा है, मोहन जोदड़ो से प्राप्त कांस नर्तकी की ऊंचाई कितनी है। तो फ्रेंड, आपको बताना, जो मोहन जोदड़ो से प्राप्त कांस नर्तकी की ऊंचाई है फ्रेंड, वो कितनी है। देखिए, कह रहा है 8 सेमी, 10 सेमी, 12 सेमी, 14 सेमी। तो फ्रेंड, जो क्वेश्चन नंबर आठ का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी 10 सेमी। ठीक है, जो मोहन जोदड़ो से प्राप्त कांस की नर्तकी की ऊंचाई है फ्रेंड, वो आपका 10 सेमी है। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर नौ का रहा है, स्वर्ण, चांदी, सीसा और लोहा धातुओं की उल्लेख हमें किस वेद में मिलता है। तो फ्रेंड, आपको बताना, स्वर्ण, चांदी, सीसा और लोहा धातुओं का उल्लेख हमें किस वेद में मिलता है फ्रेंड। देखिए, कर है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद। तो फ्रेंड, जो क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी यजुर्वेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, केवल सोना, तांबा और कांस का उल्लेख हमें किस वेद में मिलता है। तो फ्रेंड, आपको बताना है, केवल सोना, तांबा और कांस का उल्लेख हमें किस वेद में मिलता है। देखिए, करे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद। तो फ्रेंड, जो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ऋग्वेद। ठीक है, चलिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, सातवाहन काल दूसरी शताब्दी के कुछ धातु शिल्प कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड, आपको बताना, जो सातवाहन काल के कुछ धातु शिल्प हैं फ्रेंड, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए, करें गांधार, मथुरा,
कोल्हापुर महाबलीपुरम। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कोल्हापुर। ठीक है, देखिए फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कोल्हापुर। देखिए फ्रेंड जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे बताते हैं अपने हिसाब से सही बताते हैं फ्रेंड, फिर भी आप लोग उसको एक बार चेक जरूर करिएगा फ्रेंड। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है मेरे द्वारा बताया गया क्वेश्चन आंसर में तो आप लोग उसे बुक से चेक कर लीजिएगा और जैसा भी होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 का है, गुप्त काल के राजा हर्षवर्धन के समय कला का चौमुखी विकास हुआ, ये कौन सी शताब्दी है? तो फ्रेंड आपको बताना है जो गुप्त काल के राजा हर्षवर्धन के समय कला का चौमुखी विकास हुआ था फ्रेंड ये कौन सी शताब्दी में हुआ था आपको बताना है। देखिए कह रहा है 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 7वीं शताब्दी। ठीक है, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 का है फ्रेंड, वेन सांग ने किस धातु से निर्मित मानवकार प्रतिमा का उल्लेख अपने भारत यात्रा के वर्णन में किया? तो फ्रेंड आपको बताना है जो वेन सांग थे फ्रेंड उन्होंने किस धातु से निर्मित मानवकार प्रतिमा का उल्लेख अपने भारत यात्रा के वर्णन में किया? देखिए कह रहा है स्वर्ण धातु, कांस्य धातु, तांबा धातु, लौह धातु। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी स्वर्ण धातु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का है, पाल और सेन राजाओं के संरक्षण में बिहार और बंगाल में किस शताब्दी के कलाकारों ने काम किया? तो फ्रेंड आपको बताना है पाल और सेन राजाओं के संरक्षण में बिहार और बंगाल के किस शताब्दी के कलाकारों ने काम किया? फ्रेंड देखिए कह रहा है 6ठी से 9वीं शताब्दी तक, 8वीं से 12वीं शताब्दी तक, 10वीं से 14वीं शताब्दी तक, 9वीं से 13वीं शताब्दी तक। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। ठीक है, चलिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 का है, चोलवंशी मूर्तिकला में उत्कृष्ट के चित्र किस शताब्दी में दिखाई पड़ते हैं? तो फ्रेंड आपको बताना है जो चोलवंशी मूर्तिकला है फ्रेंड उत्कृष्टता के चित्र जो है किस शताब्दी में दिखाई पड़ते हैं? देखिए फर्स्ट कर रहा है 7वीं शताब्दी, दूसरा है 8वीं शताब्दी, तीसरा है 9वीं शताब्दी, चौथा है 10वीं शताब्दी। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी 10वीं शताब्दी। ठीक है, चलिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है, दक्षिण भारतीय कांस्य मूर्तिकला अधिकांशतः किस धर्म से संबंधित है? तो फ्रेंड आपको बताना है दक्षिण भारतीय कांस्य मूर्तिकला फ्रेंड वो किस धर्म से संबंधित है? देखिए करें वैष्णव धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी शैव धर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है, 13वीं शताब्दी का तंजावुर जिले में प्राप्त नटराज प्रतिमा किस संग्रहालय में है? तो फ्रेंड आपको बताना है 13वीं शताब्दी में जो तंजावुर जिले से प्राप्त नटराज की प्रतिमा है फ्रेंड वो वर्तमान में किस संग्रहालय में? देखिए करें मद्रास राजकीय संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय, पटना संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय दिल्ली। तो फ्रेंड आपको बताना है जो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी मद्रास राजकीय संग्रहालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है, भारतीय नृत्य की सुंदरता और गति का प्रतिरूप नटराज की प्रतिमा में शिव के कितने क्रियाएं प्रस्तुत की जाती हैं? तो फ्रेंड आपको बताना है जो भारतीय नृत्य की सुंदरता और गति के प्रतिरूप नटराज की प्रतिमा है फ्रेंड उसमें जो शिव की प्रतिक्रियाएं हैं फ्रेंड प्रस्तुत की गई हैं वो कितनी है? देखिए करा 3, 5, 7, 9। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी 5। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है, दक्षिण भारत से प्राप्त 12वीं शताब्दी के चोलवंशी नटराज की कांस्य प्रतिमा कहाँ है? तो फ्रेंड आपको बताना है जो दक्षिण भारत से प्राप्त 12वीं शताब्दी के चोलवंशी नटराज की कांस्य प्रतिमाएं कहाँ है? देखिए कह रहे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, मथुरा संग्रहालय, मद्रास राजकीय संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय कलकत्ता। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20 का है, नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा कुरुम से प्राप्त किस शताब्दी की रचना है? तो फ्रेंड आपको बताना है जो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा है फ्रेंड कुरुम से प्राप्त किस शताब्दी की रचना है? देखिए करें 8वीं शताब्दी के अंतिम प्रहर, 9वीं शताब्दी के अंतिम प्रहर, 10वीं शताब्दी के अंतिम प्रहर, 11वीं शताब्दी के अंतिम प्रहर। तो
तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी 9वीं शताब्दी के अंतिम प्रहर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है, कुरुम से प्राप्त नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है। तो फ्रेंड आपको बताना है कुरुम से प्राप्त नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है। फ्रेंड देखिए करा 48 सेमी, 53 सेमी, 58 सेमी, 63 सेमी। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी 53 सेमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है, बेलकन्नी तंजौर से प्राप्त नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा किस काल की है। तो फ्रेंड आपको बताना जो बेलकल्ली तंजौर से प्राप्त नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा है फ्रेंड वो किस काल की है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 22 है फ्रेंड उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 10वीं शताब्दी के अंतिम प्रहर। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है, बेलकल्ली तंजौर से प्राप्त नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है। तो फ्रेंड आपको बताना जो बेलकल्ली से प्राप्त नटराज शिव कांस्य की प्रतिमा है फ्रेंड उसकी ऊंचाई कितनी है। देखिए कह रहा है 54 सेमी, 64 सेमी, 74 सेमी, 84 सेमी। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4th, यानी 84 सेमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है, 16वीं-17वीं शताब्दी के तांबे धातु से निर्मित नटराज शिव प्रतिमा जो दक्षिण भारत से प्राप्त हुई है किस संग्रहालय में है। तो फ्रेंड आपको बताना जो नटराज शिव की प्रतिमा है फ्रेंड जो दक्षिण भारत से प्राप्त हुई है वो किस संग्रहालय में है। देखिए करा है तंजौर आर्ट गैलरी, राजकीय संग्रहालय मद्रास, बोस्टन फाइन आर्ट संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 24 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3rd, यानी बोस्टन फाइन आर्ट संग्रहालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है, दक्षिण भारत से प्राप्त 16वीं और 17वीं शताब्दी की तांबे धातु से निर्मित नटराज शिव की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो नटराज शिव की प्रतिमा की ऊंचाई है फ्रेंड वो कितनी है जो कि दक्षिण भारत से प्राप्त हुई है। फ्रेंड देखिए करें 90.5, 91.5 सेमी, 92.3 सेमी, 94.5 सेमी। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी 91.5 सेमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है, महाकाली को धातु प्रतिमा में कितने हाथ वाली बनाया गया है। तो फ्रेंड आपको बताना है महाकाली को धातु प्रतिमा में कितने हाथ वाली बनाया गया है। देखिए करा 2, 4, 8, 12। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है, 11वीं और 12वीं शताब्दी खड़ी पार्वती की प्रतिमा किस संग्रहालय में। तो फ्रेंड आपको बताना है 11वीं और 12वीं शताब्दी में खड़ी पार्वती की प्रतिमा किस संग्रहालय में फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी फियर आर्ट गैलरी वाशिंगटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है, धातु मूर्तियों में दुर्गा की प्रतिमा के साथ किसकी किसको नहीं दर्शाया गया। तो फ्रेंड आपको बताना है धातु मूर्तियों में दुर्गा की प्रतिमा के साथ किसको नहीं दर्शाया गया। देखिए कर त्रिशूल, खंग, सिंह, ये सभी। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3rd, यानी सिंह। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है फ्रेंड। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दूसरी जगह होने की वजह से फ्रेंड हमने यहाँ पे ऑप्शन लिख दिया है। तो फ्रेंड आप लोग हैंड राइटिंग में मत जाइएगा, हम जो बोलेंगे उसको आप लोग सुन लीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए करा है 12वीं शताब्दी पर्वती चोल काल की लक्ष्मी की कांस्य प्रतिमा कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो 12वीं शताब्दी में पर्वती चोल काल की लक्ष्मी का कांस्य प्रतिमा कहाँ स्थित है। फ्रेंड देखिए ऑप्शन 1st है राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, दूसरा है तंजौर आर्ट गैलरी, तीसरा है राष्ट्रीय संग्रहालय चाइना, चौथा है गौतम साराभाई संग्रहालय अहमदाबाद। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4th, ये ऑप्शन नंबर 4th हो जाएगा फ्रेंड, यानी गौतम साराभाई संग्रहालय अहमदाबाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th, यानी गौतम साराभाई संग्रहालय अहमदाबाद। ठीक है, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है, 18वीं शताब्दी पर्वती विजयनगर काल की कांस्य ब्राह्मी की प्रतिमा कहाँ है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो 18वीं शताब्दी पर्वती विजयनगर काल की कांस्य प्रतिमा फ्रेंड वो कहाँ पे। देखिए कहे तंजावर आर्ट गैलरी, गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास, राजकीय संग्रहालय लखनऊ, अम्बेर संग्रहालय जयपुर। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए
क्वेश्चन नंबर 31 कर रहा है, कार्तिकेय को दूसरे किस रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड आपको बताना है कार्तिकेय को दूसरे किस रूप में जाना जाता है। फ्रेंड देखिए कर रहा है सुब्रहण्यम, स्कंद, युद्ध के देवता, ये सभी। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी ये सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है, बेलूर के केशव मंदिर में किस राजा की प्रतिमा कांस्य स्थापित है। तो फ्रेंड आपको बताना है बेलूर के केशव मंदिर में किस राजा की प्रतिमा कांस्य स्थापित है। देखिए कहे राजा विष्णुवर्धन, राजराज प्रथम, राजा कृष्ण देवराय, इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी राजा विष्णुवर्धन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है, विजयनगर के प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय 1509 से 29 ईस्वी तथा उनके दोनों रानियां चिन्ना देवी, तिरुमाला देवी की प्रतिमाएं किस मंदिर में है। तो फ्रेंड आपको बताना जो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय जी थे उनकी दोनों रानियों के जो है प्रतिमाएं किस मंदिर में। देखिए कर रहा है वीरेश्वर मंदिर, केशव मंदिर, श्रीनिवास पेरुमलम मंदिर, हरिहर मंदिर ओसिया। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी श्रीनिवास पेरुमल मंदिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 है, 10वीं शताब्दी में निर्मित कल्याण सुंदर की कांस्य प्रतिमा कहाँ है। तो फ्रेंड आपको बताना है 10वीं शताब्दी में निर्मित कल्याण सुंदर की कांस्य प्रतिमा कहाँ है। फ्रेंड देखिए कर रहा है तंजावुर आर्ट गैलरी, आम्बेर संग्रहालय जयपुर, राजकीय संग्रहालय मद्रास, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी तंजावुर आर्ट गैलरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है, 11वीं शताब्दी में निर्मित अर्धनारीश्वर कांस्य प्रतिमा कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो अर्धनारीश्वर कांस्य प्रतिमा है फ्रेंड जो कि 11वीं शताब्दी में निर्मित है वो कहाँ पर है। देखिए कह रहा है आम्बेर संग्रहालय जयपुर, तंजावुर आर्ट गैलरी, राजकीय संग्रहालय मद्रास, मथुरा संग्रहालय। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी राजकीय संग्रहालय मद्रास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है, 10वीं शताब्दी की दक्षिण भारतीय कांस्य प्रतिमा शिव पार्वती सुखासन पर जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है की ऊंचाई कितनी है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो शिव पार्वती सुखासन पर जो चित्र है फ्रेंड उसका ऊंचाई कितना है। देखिए कर रहा है 52 सेमी, 57 सेमी, 62 सेमी, 67 सेमी। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी 57 सेमी। ठीक है, चलिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है, 13वीं शताब्दी परवर्ती चोल काल की कांस्य प्रतिमा विनाधर दक्षिण मूर्ति कहाँ सुरक्षित है। तो फ्रेंड आपको बताना है 13वीं शताब्दी परवर्ती चोल काल की कांस्य प्रतिमा विनाधर दक्षिण मूर्ति कहाँ सुरक्षित है। देखिए कर रहे हैं मथुरा संग्रहालय, गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास, तंजौर आर्ट गैलरी, आम्बेर संग्रहालय जयपुर। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है, अकोटा प्रांत से 7वीं शताब्दी की कांस्य प्रतिमा किसकी है। तो फ्रेंड आपको बताना है अकोटा प्रांत से प्राप्त 7वीं शताब्दी की कांस्य शीर्ष प्रतिमा किसकी है। देखिए कह रहे हैं तारा देवी, बुद्ध, ऋषभनाथ, तारा देवी। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 39 का फ्रेंड ऑप्शन नंबर 3, यानी ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर 3 यानी ऋषभनाथ। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया है, क्वेश्चन नंबर 38 जो था फ्रेंड वो छूट गया है। देखिए कर रहा है अकोटा प्रांत से प्राप्त 7वीं शताब्दी की कांस्य प्रतिमा किसकी है। तो फ्रेंड आपको बताना है अकोटा प्रांत से प्राप्त 7वीं शताब्दी की कांस्य प्रतिमा किसकी है। फ्रेंड देखिए कर रहा है ऋषभनाथ प्रथम, वेणुगोपाल, तारा देवी, मनसा देवी। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी ऋषभनाथ प्रथम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है, 7वीं शताब्दी की अकोटा से प्राप्त कांस्य की ऋषभनाथ की पूर्ण प्रतिमा व शीर्षमुख प्रतिमा कहाँ सुरक्षित है। तो फ्रेंड आपको बताना है 7वीं शताब्दी की अकोटा से प्राप्त कांस्य के ऋषभनाथ की पूर्ण प्रतिमा का शीर्षमुख कहाँ प्रतिमा सुरक्षित है। फ्रेंड देखिए इसका ऑप्शन दूसरी जगह दिया है फ्रेंड, चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, लूब्र संग्रहालय पेरिस, बड़ौदा संग्रहालय, गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास। तो फ्रेंड इसका जो क्वेश्चन था फ्रेंड वो था 7वीं शताब्दी की अकोटा से प्राप्त कांस्य की ऋषभनाथ की पूर्ण प्रतिमा व शीर्षमुख कहाँ प्रतिमा सुरक्षित है।
तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर थर्ड यानी बड़ौदा संग्रहालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, 9वीं शताब्दी की पालवंशी कांस्य प्रतिमा जो बिहार के कुर्कीहार प्रांत में प्राप्त हुई फ्रेंड किसकी है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो 9वीं शताब्दी की पालवंशी कांस्य प्रतिमा है फ्रेंड वो किसकी है। देखिए करा ऋषभनाथ की, वेणुगोपाल की, तारा देवी की, नटराज की। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी तारा देवी की। ठीक है, 9वीं शताब्दी की पालवंशी कांस्य प्रतिमा जो बिहार के कुर्कीहार प्रांत से प्राप्त हुई है कहाँ सुरक्षित है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो पालवंशी प्रतिमा प्राप्त हुई है फ्रेंड वो कहाँ सुरक्षित है। देखिए पटना संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, तंजावुर आर्ट गैलरी, राजकीय संग्रहालय लखनऊ। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पटना संग्रहालय। ठीक है, फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है। फ्रेंड देखिए आधा क्वेश्चन इधर है और आधा इधर है फ्रेंड, तो हम इसको बोल के सुना दे रहे हैं आपको, आप लोग सुन लीजिएगा। फ्रेंड देखिए कह रहा है, बांसुरी बजाते हुए कृष्ण को दो पत्नियों रुक्मणी व सत्यभामा के साथ बनाया गया है, चिम्बा कुर्ति से प्राप्त मूर्ति किस शताब्दी की है। तो फ्रेंड आपको बताना है ये जो मूर्ति है फ्रेंड जिसमें बांसुरी बजाते हुए कृष्ण अपनी दो पत्नियों रुक्मणी व सत्यभामा के साथ है फ्रेंड, जो चिम्बा कुर्ति से प्राप्त मूर्ति है वो किस शताब्दी की है। देखिए करें 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 11वीं शताब्दी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा 11वीं शताब्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 का फ्रेंड, चिम्मा कुर्ति से प्राप्त 11वीं शताब्दी की वेणुगोपाल मूर्ति रुक्मणी और सत्यभामा के साथ बांसुरी बजाते कृष्ण की ऊंचाई कितनी है। तो फ्रेंड आपको बताना है चिम्मा कुर्ति से प्राप्त 11वीं शताब्दी की वेणुगोपाल की मूर्ति फ्रेंड जो रुक्मणी और सत्यभामा के साथ बांसुरी बजाते हुए कृष्ण थे उसकी ऊंचाई कितनी है। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी वेणुगोपाल 22.5 सेमी, पत्नियों को 18.5 सेमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड, बाकी के जो नए सीरीज से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 का है, 10वीं शताब्दी की कांस्य हनुमान प्रतिमा बड़कुपायनयूर तंजौर से प्राप्त हुई है, यह आरंभिक चोल काल के इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है। तो फ्रेंड देखिए कह रहा है 10वीं शताब्दी की कांस्य हनुमान प्रतिमा जो कि तंजौर से प्राप्त हुई है फ्रेंड, आरंभिक चोल काल की इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है। देखिए कह रहा है 48 सेमी, 58 सेमी, 68 सेमी, 78 सेमी। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी 58 सेमी। ठीक है, तो फ्रेंड ये था इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, बाकी का जो सीरीज हम लेके आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे फ्रेंड। तो हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड मेरे द्वारा बताया गया वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता होगा। तो अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।